वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस टू लेक्चर वी हैव रीड दिस चैप्टर अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर. हमने पिछले दो लेक्चर में इस चैप्टर में देखा कि किस तरह दो दोस्त प्लान बनाते हैं एक लॉन्ग बाइसिकल राइड की, और दूसरे मॉर्निंग वो आ भी जाते हैं, लेकिन जो दोस्त आता है वो क्या करता है, अच्छी खासी साइकिल के साथ में वो कुछ तो भी तो उसको हिलाता है, वाइब्रेट करता है, उसको खोल भी लेता है, और उसका ये जो फ्रंट व्हील है इसको निकाल लेता है, उसकी बीयरिंग चेन वगैरह निकाल लेता है ना. इस तरीके से वो साइकिल के साथ बहुत कुछ करता है और करता ही रहता है. तो हमने जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें देख रहे थे कि धीरे धीरे जो ऑथर है जिसकी वो साइकिल रहती है तो उनको काफ़ी हद तक गुस्सा आने लगता है कि यार इतना बढ़िया प्लान था, मेरी अच्छी खासी साइकिल थी तो उसको पूरा ही इसने इस तरह ख़राब कर दिया. ठीक है, तो चल ही रहा था कि वो कभी क्या लगाता है, वो एक तो हैंडल पकड़ता है ना, दूसरा उसको सही करता है ना, फिर एक हैंडल पकड़ता है दूसरा, तो ऐसे उनके बीच में एक तरीके से मशीन और सब आपस में कर ही रहते हैं. तो वो जो दोस्त था ऑथर का जो उसके साथ चलने वाला था, तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि वो किस तरीके से नीचे साइकिल के नीचे घुस के उसको सही करता है, तो खुद के मुँह के ऊपर ऑयल डल जाता है और साइकिल भी उसके मुँह के ऊपर सिर के ऊपर आके गिर जाती है. तो इस तरह वो परेशान हो जाता है, और इतना परेशान हो जाता है, उसके आगे पढ़ते हैं हम. देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग्स. अब उसका जो है लॉस्ट हिज टेम्पर यानी उसको भयंकर गुस्सा आ गया. द बाइसिकल आई वॉज ग्लेड टू सी शोड स्पिरिट एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग डीजनरेटेड इनटू लिटिल एल्स देन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड. अब ये जो कुछ भी चल रहा था ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल के और उस व्यक्ति के बीच में, ये साइकिल है और ये व्यक्ति है, ये साइकिल और इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई चल रही हो. वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पथ एंड ही इज ऑन टॉप इट. एक समय ऐसा आया कि साइकिल नीचे पड़ी हुई और साइकिल के ऊपर वो व्यक्ति, वो जो ऑथर का दोस्त है, वो खड़ा है. द नेक्स्ट, लेकिन उसके अगले ही पल द पोजिशन वुड बी रिवर्स, फिर पोजिशन अलग हो गई, वो व्यक्ति नीचे जमीन पर रखा हुआ और साइकिल उसके ऊपर है. ही ऑन द ग्रेवल पथ यानी वो उस रास्ते पे मिट्टी पे, द बाइसिकल ऑन हिम वो साइकिल उसके ऊपर रखी हुई. तो जैसे साइकिल के और उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही हो, कभी साइकिल उसके ऊपर कभी वो साइकिल के ऊपर, ऐसे चल रहा है. नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विथ विक्ट्री. अब वो ऐसे खड़ा हुआ जैसे वो उसने कोई जंग जीत ली हो. द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स. अब उसने साइकिल को टांगों के बीच में ले लिया फिक्स. बट हिज ट्रिम्प वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसका ये साहस भी थोड़े समय के लिए रहा. बाय ए सडन, अचानक क्विक मोमेंट इट वुड फ्री इट सेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम. लेकिन उसने जैसे साइकिल को पकड़ा तो वो घूम के आया और उसी के ऊपर हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विथ वन ऑफ इट्स हैंडल. और उसने साइकिल को पकड़ रखा था लेकिन वो हैंडल घूमता है ना उसका, तो फोर्क के नीचे वो घूम के आया और उसके डायरेक्ट उसके कहाँ लगा, सिर में लगा. तो जैसे उनके घमासान तो चल ही रहा था तो उसके सिर में हैंडल भी आके लग गया. एट अ क्वार्टर टू वन, यानी एक में 15 की देर थी. डर्टी एंड डिशेल्ड कट एंड ब्लेंडेड, यानी वो पूरा गंदा भी हो गया और कहीं लग गई उसके चोट, लग गई कहीं खून आ रहे हैं. ही सेड आई थिंक दैट विल डू, मुझे लगता है अब ये काम करेगा. एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो, और अब वो खुद को साफ करने में लगा हुआ है. द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट आल्सो हैड इनफ ऑफ इट. बाइसिकल ने भी बहुत कुछ सहा हो ऐसा लग रहा था. विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से, इसने भी काफ़ी कुछ पनिशमेंट सहा है. आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन हिमसेल्फ. अब वो व्यक्ति जो पूरा गंदा हो चुका था उसको किचन में ले गए. देन आई सेंट हिम होम, अब मैंने उसको घर भेज दिया. यानी कहा तो एक अच्छा खासा प्लान बना था और पूरा प्लान 12 बज गई, वो साइकिल को खोल खुला के और खुद गंदा होके और चोट लगा के चला गया. तो ये बहुत ही, ये जेरोम के जेरोम ने लिखी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, दो दोस्तों के बीच में किस तरह प्लान बनता है ना. आप इसको पढ़ना फिर से, काफ़ी मज़ेदार है, कॉमेडी भी है, किस तरह साइकिल के और इनके बीच में कमा, मतलब उसका जो दोस्त है उसमें कॉमन सेंस की थोड़ी कमी है. ओके, कल आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ना. ओके, बाय.